बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि खैर ऑफिस से होंगे। मौसम जी बड़ा जबरदस्त हुआ पड़ा है और हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आज का व्लॉग भी बड़ा जबरदस्त है, इंशाल्लाह आप सब भी एंजॉय करेंगे। तो व्लॉग आपने लास्ट तक देखना है, तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जामिन क्या हुआ? जामिन आपको क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ये नीचे से देख रहा है, मैं पाएगा ये क्या गंदी गंदी जगह? देखो आंधी आई, सारी जमीन गंदी हुई पड़ी है। उठ जाओ, उठ जाओ यहाँ से, उठो उठो। देखो बच्चों के काम चेक करें, फिर पागल हुए पड़े बच्चे, है ना? गिरा क्यों पड़ा? आज हम दोबारा से सब्जियां उगा रहे हैं। ये क्यारी जो उनसे बिल्कुल क्लियर कर दी हमने, देख सकते हैं। और ये लेके आए हैं अब्बू, क्या क्या चीजें लेके आए हैं? टमाटर है, ये देख लें जी, इस तरह मिलती है टमाटर। और गोंगलू, ये गोंगलू कद्दू, कद्दू। और ये है जी मिर्च, तीन चीजें अभी उगाने लगे। ये क्या भिंडी जो उनसे उगा दी है, भिंडी उगा दी है। ये भिंडी के बीज हैं। अब आप बीज देखिएगा गाइस, कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। ये है मिर्च, सबसे पहले जी मिर्च उगाएंगे। मिर्च के बीज देख लीजिएगा गाइस, ये है जी मिर्च। ये तो उस तरह ही है जैसे मिर्च होती है, इस तरह से ऊपर मट्टी डाल दे। जामिन को देखें कैसे पागलों की तरह बाहर आने का इसका बड़ा दिल कर रहा था। वो देखो ना, गिर गया ना, गिर गया ना रोड पे। फरद खड़ी दरवाजे से देख रही है चोरी चोरी कि क्या लग रहा है। सब्जियां बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ जी, सब्जियां तो फिर प्यारी होती हैं क्योंकि हम खाते हैं। सही बात है। आज हवा कितनी चल रही है ना? आज बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत मजे का मौसम है। सुबह से लाइट गई हुई है और आने का वापस नाम नहीं ले रही, तो शाम होगी कहते हैं कि सुबह पता नहीं कितने बजे की गई हुई है। तो अभी देख रहे हैं कि मित्र की लाइट्स वगैरह तो सारी चल रही हैं, चेक की हैं। हाँ जी बेटा, आपको किधर किधर पड़े थे, किधर से इधर से निकले थे, फिर आप किधर भागे थे? भाग गए थे फिर आप, फिर मम्मा ने पकड़ लिया था। वो गिर जाओगे गटर में, गिर के दिखाओ एक दफा, पागल हो साइड हो जाओ। जब आप बड़े हो गए, गटर में मैंने कभी भी नहीं छलांग मारी। अच्छा ऊपर से, ऊपर से तो हाँ, वो जब आप बड़े हो गए ना आपको भी आ जाएगी फिर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अम्मी जान, ठीक ठाक हो आप? अल्लाह अम्मी, आज लाइट नहीं, बत्ती नहीं कहते आ रही, सुबह से यूपीएस चल चल के पागल हो गया बेचारा। सुबह से आज बिजली नहीं है। ये क्या लोड शेडिंग, इसका मतलब पाकिस्तान में दोबारा स्टार्ट होगी? शुरू हो रही है अभी, तो गर्मी ही नहीं आई, मौसम चेंज हो रही है जैसे जैसे। हाँ जी, वो कहते हैं कि गाँव बसा नहीं लटेरे, पहले ही आ गया, अभी गर्मी आई नहीं, लोड शेडिंग पहले शुरू होगी। ऐसे बिल दे ला कितने कितने, बिल तो वो ऐसे लगता है कि पूरा सर्दियों में इतने इतने बिल हमें आते नहीं, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे बाप का, हर बंदे को लग रहा होता है, गरीब से गरीब को भी, अमीर से अमीर को भी, कि बाप का वालों ने डायरेक्ट कनेक्शन अपने ग्रिड से जैसे उनको ही हमें दिया होता है, या जिनको बिल ज्यादा आ रहा होता है। यार हमें तो बिल हमें तो बहुत ज्यादा खाम खाम में ज्यादा आ जाता है ना ऐसे, तो ये तो नाइंसाफी है। वैसे एक बिजली भी नहीं आती, ऊपर से बिल इतना। देखे ना, एक सहूलत हो ना कि बंदे को चलो हवा मिल रही है, पंखा चल रहा है, तो बंदा बिल देता हुआ चलो फिर थोड़ा बहुत कर लेता है कि चलो यार हमने हवा भी तो ली है। गर्मियों में बिजली होती ही नहीं तो बिल किस चीज़ का, फिर
फिर डबल देते हैं गर्मियों, डबल डबल ऐसे ही है। अभी 5 रुपए बिजली वो सस्ती की है, लेकिन वो सस्ती की है कहाँ, वो होगी तो की है, तो जब दे ही नहीं रहे तो बिजली अब आती कम है, फिर स्टार्ट हो जाना ज्यादा से ज्यादा। अभी तो सर्दियों में भी 5-5, 6-6 हजार आता है, गर्मियों में तो पूछे, गर्मियों में तो अल्लाह ही मालिक है इनका, मैं सब क्या कह सकते हैं। अच्छा, और अम्मी हवाएं आज बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है सुबह से। अच्छा, वो पापा सब्जियां लेके आए थे बाहर, गई देखी आपने? हाँ, मैं देखी तेरे पापा। टमाटर है, भिंडी है, मिर्चे हैं, और वो गोंगलू है, पता नहीं क्या, गोंगलू नहीं है वो, कद्दू और टिंडे है, बेल तोरी। तो बिजली आएगी तो पानी रात को लगाएंगे ना, फिर 4-5 दिन बाद फिर बाहर निकल आएंगे। तेरे पापा ने अकेले ने सब्जी लगाए है, देखो कैसी होती है। पिछली बार मैंने और तेरी आंटी ने वो लगाए थे मूंगरे, वो तो बहुत हुए थे, वो जिधर मैंने लगाए उधर हो गए, जिधर तेरी आंटी ने लगाए हो गए, पता नहीं क्या वजह हुई। अस्सलाम वालेकुम, किधर जनाब? वालेकुम अस्सलाम, और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे मिलकर कितना होंगे, खैर कह रहे होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुशियाँ बांटते रहे। तो ये किधर किचन में लगता खाना शाना बनने की तैयारियाँ हो रही हैं? अब खाने का टाइम हो गया ना, तो मैंने कहा जल्दी से किचन में जाएं, खाना बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं, भूख लग रही है ना, और हम मगरिब टाइम तक खा लेते हैं, आज अभी तक नहीं खाया, बस सालन रेडी हो गया है और अब रोटियां बनाना बाकी हैं, बस अब वो बनेंगी और फिर हम खाना खा लेंगे। अच्छा, आज बन क्या रहा वैसे? अभी तक 2 सालन बनाए हैं, एक हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं और एक हमने टीनिया और मटर का सालन बनाया है। जबरदस्त, किचन में पड़ा हुआ दिखा देती हूँ आज जी। अब देखते हैं सालन क्या बना है। ये हमने सालन बनाया है, ये क्या? टीनिया और मटर। वाओ, तो बना के हमने कहा रख लें और मगरिब टाइम तक जैसे कि हम खाना खा लेते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा टाइम से खाना बनाए और खाएं। अब भूख लगी हुई है, रोटी बनाने मुझे नहीं आती, ये ना सोचना कि मुझे रोटी बनाने आती है, रोटी मेरी अम्मी बनाती है, मुझे नहीं आती रोटी रोटी बनाना, और ना ही मैं बनाती हूँ, क्यों अम्मी मुझे जो ड्यूटी देती है, मैं बाकी सब खाना स्पेशल कुछ बनाना सालन वगैरह सारा मैं कर लेती हूँ, और रोटियाँ मुझे नहीं आती, वो मेरी अम्मी बनाती है। क्यों मम्मा? अम्मी की ड्यूटी है, चूल्हा रेडी है, रोटियां आप बनने लगी, चले सही है। आप पहले रोटी बना लें या दूध गर्म करना? रोटी बनानी है, भूख लगी, हाँ भूख लगी, इतनी ज्यादा भूख लगी ना। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, लव, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।